हरे कृष्णा राधे राधे कृष्ण दास जी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? काला जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। कार्तिक मास और मैं पढ़ रही हूँ 20वां अध्याय। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तो हवा बहुत चल रही है, जोत नीचे रखी हुई है। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण के प्यारे, जो जगाए हम तेरे दिन रात, ये भक्ति है मेरी। तुलसी माँ को प्रणाम करते हैं। यहाँ रख लेते हैं नीचे जोत, तिल ले लेते हैं थोड़े से तिल। ठीक है, चलिए कथा पढ़ते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कार्तिक मास की जय। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, यहाँ तक की कथा सुनने के पश्चात महाराज पितु ने नारद जी से पूछा, महर्षि कार्तिक मास में दीपदान एवं मार्जन मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य को मार्जन बोलते हैं, आदि का क्या महत्व है? ऐसे कार्य करने वाली श्रद्धालु को कैसा फल मिलता है? यह प्रश्न सुनकर नारद जी बोले, राजन, एक बार परम पिता ब्रह्मा जी ने मैंने यही सवाल पूछा था। उन्होंने कुछ बताया, वही सब मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। यह कथा अत्यंत गोपनीय है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रभु भक्त था, भगवान के मंदिर में स्वयं जाकर झाड़ू लगाता और दीपक जलाता था। एक दिन विति होत्र नामक राज पुरोहित ने उसे यह सब करते देखा तो आश्चर्य से भर गया। तब राजा के पास जाकर उसने पूछा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो और भी बहुत से मार्ग, परंतु आप स्वयं मंदिर में मार्जन और दीप जलाने को इतना महत्व क्यों देते हैं? तब राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, इस संबंध में आपको अपने पूर्व जन्म की एक अत्यंत विस्मयकारी घटना सुनाता हूँ। भगवत कृपा से वह घटना इस जन्म में भी मुझे याद है। राजपुरोहित जी सत्युग में स्वरोचित मनु काल में वेद वेदांगों के जानने वाले ब्राह्मण था। वह बड़ा ही विद्वान था, तब भी खोटे कर्मों में लिप्त रहता था। उसके दुष्कर्मों के कारण ही उसे बंधु बांधु से उनका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा, जिसे संजोगी कहे कि नर्मदा के तट पर आते ही उसने प्राण त्याग दिए। हे पुरोहित जी, उसकी स्त्री का व्यवहार आचरण भी अच्छा न था, जिसके कारण उसके घर त्यागते ही परिजनों ने उसकी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती थी, समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम दंड केतु था। माता पिता के दुष्ट स्वभाव के कारण वह बालक भी दशपति का ही निकला, उसके कर्म भी अपने पिता और माता से विपरीत न थे। फिर एक दिन उसकी माँ भी मर गई और वह बालक खोटे कर्म करता इधर उधर भटकने लगा। इस प्रकार वह पाप पूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात्रि को छल से किसी पराई नारी से भोग करने की इच्छा से वह एक दिवाले में जा छिपा, जो सूना पड़ा रहता था। उसने अपने वस्त्रों से दिवाले की भूमि साफ की और वहां एक दीपक जला दिया। हे पुरोहित जी, उस दीपक को जलता देख गांव वाले उसमें तो कि सूने मंदिर में दीपक किसने जलाया है वह आ धमके, और उस युवक को देखकर उन्होंने उसे चोर डाकू समझकर लाठी उसे पीट पीट कर मार डाला। प्राण निकलते ही भगवान श्री हरि विष्णु के दूत वहां आए, उसे दिव्य रथ में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। हे महाराज, आप अचरज करेंगे कि ऐसा दुष्कर्मी और कामिक पुरुष किस कारण से वैकुंठ का अधिकारी बना, तो सुनिए। जब उसने मंदिर का में सफाई और दीपदान किया, वह कार्तिक का महीना था जिसमें सिर्फ एक बार ऐसा कर्म करके वह वैकुंठ का अधिकारी बना। हे महाराज, जब कार्तिक माह में एक दिन में एक बार ऐसा करने पर ऐसा सुफल मिला तो पूरे माह ऐसा करने पर कितने पुण्य का फल का भागी होगा? इसका वर्णन तो हजारों मुख वाले शेषनाग स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। अपने उस पुण्य कार्य के फलस्वरूप उसने कई कल्पों तक स्वर्ग का सुख होगा और उसके बाद चंद्रवंश में जयध्वज बनकर जन्मा और पृथ्वी पर राज सुख भोग रहा है। हे प्रोजी, इसी कारण कार्तिक माह में मंदिर में झाड़ू और दीपदान भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त करता हूँ। हे राजा प्रदो नारद जी बोलिए, तो था स्वयं दीपदान करने का फल, अब दूसरे के दीप जलाने का महत्व सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्रबुद्धि का एक पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था। अपने नाम की भांति सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। राजा भद्रबुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार सुदर्शन शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते घूमते अचानक उसकी दृष्टि नदी के उस पार पड़ी, जहाँ उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा।
उसने अपने साथियों को वहीं छोड़ा और घोड़े पर सवार होकर नदी पार कर दूसरे तट पर जा पहुंचा। हे राजन, वह कन्या अत्यंत रूपवती थी। राजकुमार सुदर्शन देखते ही उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस बलशाली और सुंदर युवक को देखकर लजा गई। तब राजकुमार सुदर्शन ने बड़ी नम्रता से ख्यालता से उसका परिचय पूछा। तब कन्या ने बताया, वह गोड राजा की पुत्री मदनालसा है और अपने सख्त के साथ क्रीड़ा के लिए वह आई है। तत्पश्चात स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। उस समय तक वे नर्मदा के तट पर विहार करते रहे। फिर उसने घर पर आकर माता पिता का आशीर्वाद आनंद पूर्वक रहने लगे। हे राजन, कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य की बागडोर सौंप कर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन कुशलता को राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसे देख राजा सुदर्शन भी भगवान की पूजा अर्चना में करने लगे और उन्हें अनन्य भक्त बन गए। बाद में रानी मदनालसा की प्रेरणा से राजा सुदर्शन ने भगवान का एक सोने का मंदिर बनवाया। वे दोनों ही उस मंदिर में भगवान का पूजन कार्तिक मास में दीपदान आदि किया करते थे। दिन मदनालसा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थी कि राजा ने उसे बुलवा भेजा। रानी ने पहले दीप जलाया फिर राजा के पास पहुंची, इस कारण उसे देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन प्रसन्न हुआ और बोला, तुम तो कहते हो पति स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतना समय लगा कर तुमने मेरी आज्ञा का ना मानकर मेरा अनादर क्यों किया? तेरी आज्ञा यदि तेरी का कोई दूसरा कारण हो तो बताओ। तब सती साथी मदनालसा ने बड़े स्नेह पूर्वक कहा, हे महाराज, मैं आपको दीपदान का महत्व बताती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। यह घटना मेरे पिछले जन्म की है, जो ईश्वर की कृपा से जन्म मुझे याद है। हे स्वामी, पिछले जन्म में एक चुहिया थी और गोदावरी नदी के तट पर एक मंदिर में रहती थी। एक दिन कार्तिक मास किसी ने मंदिर में भगवान निमित्त एक दीपक जलाया जिसकी बत्ती छोटी थी, इस कारण दीपक बुझने को हो रहा था। मैंने घी के खाने के लोभ के बत्ती को मुंह में पकड़कर उठाया। ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई मगर मेरा मुंह झुलस गया। मुंह जलने की पीड़ा से मैं झुटपाने लगी और झटपटाहट में मेरी मृत्यु हो गई। चूंकि रात के समय भगवान के मंदिर में मैं दीपक प्रज्वलित करके समय मेरी मृत्यु हुई थी, इस कारण भगवान विष्णु के दूत मुझे बैकुंठ ले गए। उसके बाद मेरा जन्म मदनालसा के रूप में हुआ है। स्वामी, यह रूप राशि आप जैसे योग्य पति मुझे दीपक की लो ऊंचा करने के मात्र के फल स्वरूप मिला है। जब इतना सा करने का फल इतना होता है तो जरा विचार के यदि कोई श्रद्धा पर भगवान को दीपदान करे तो उसका क्या फल होता है, इसकी महिमा का क्या कहना है राजा पुत्र। मदनालसा के मुख से यह सब सुनकर राजसुदर्शन का क्रोध शांत हो गया। तत्पश्चात आजीवन उसने कार्तिक माँ के व्रत किए, दीपदान किए और अंत में बैकुंठ हो गया। बोलो तुलसी माता की जय। तो मैंने तिल लड्डू डाल दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि रानी नमो नमो, कौन से महीना बुद्ध करानी, कौन से हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुद्ध करानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा नमो नमो, हरि गुप्तानी नमो नमो, कौन से महीना उत्तर पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास उत्तर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, नमो कामवटी तुलसा, कामवटी शालिया कुलमटी तुलसा, सनवटी शालिग्राम तुलसा मार नमो नमो, छप्पन नमो, पच्चीस एवं जन्म तुलसी ने पूजन तुलसा महारानी नमो नमो। ज्योति समझ की आरती आवे वसी वैकुंठ परम पद पावे, ज्योति समझ की आरती आवे मन समारा श्री माता। तो इस तरह से मैंने आपको सुनाया 20वां अध्याय। और तबीयत खराब है, जुखाम है, बुखार है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई। इस टाइम बज रहे हैं 5:45 होने वाले हैं। बाकी मैं नहा तो 5:15 ली थी, लेकिन कथा की तैयारी कथा सुनाते करते इतना टाइम हो गया। तो अच्छा लगे तो शेयर करना। जय श्री राधे।